हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः AITT यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रेडी स्टाफ समान प्रेशर सुनिश्चित करता है, यानी कि जो रेडी स्टाफ है वह एक समान प्रेशर सुनिश्चित करता है। रेडी स्टाफ एक्चुअली माइक्रोमीटर का भाग है, ठीक है, और यह थैम्बल के बाद कब लगा रहता है, ठीक है। इसके द्वारा हम एक समान प्रेशर प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल कैलिपर डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो डायल कैलिपर होता है वो एक्चुअली हमारा जो आपका कैलिपर होता है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, उसी के समान होता है। अंतर इसमें केवल इतना होता है कि इसमें एक जो है डायल बना होता है जिसके ऊपर डायरेक्ट हमें रीडिंग प्राप्त होती है, ठीक है, देखने को मिलती है, आसानी से हम देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस का स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। यहाँ पे वेंच वॉइस की बात करी गई है कि वेंच वॉइस का स्पिंडल जो होता है तो वो माइल्ड स्टील का बना होता है, और हैंडल इसका माइल्ड स्टील का भी बना, माइल्ड स्टील का ही बना होता है। वेंच वॉइस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका साइज कैसे लिया जाता है। तो वेंच वॉइस का साइज जाकी चौड़ाई से लिया जाता है, ठीक है, जाकी चौड़ाई के द्वारा हम इसकी माप लेते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेंच वॉइस के अंदर कौन सा थ्रेड का थ्रेड होता है, तो इसके अंदर स्क्वायर थ्रेड होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का सॉलिड लुब्रिकेंट है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का है, क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि क्रॉस कट चीजल को हम कैप चीजल भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेगुलर वर्कपीस को मैग्नेटिक चेक पर पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडलिंग फर्नेस से रॉट आयरन बनता है, जो रॉट आयरन है वो पुडलिंग फर्नेस से बनता है। इसके अलावा कास्ट आयरन जो होता है क्यूफुला फर्नेस से, और पिग आयरन जो है वो हमारे ब्लास्ट फर्नेस से बनता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का गलनांक 648 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद है, एडजस्टेबल रिमर में एडजस्टेबल इंसर्ट ब्लेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, टेलीसर्फ सरफेस के टेक्सचर को मापने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सरफेस उपकरण है। टेलीसर्फ सरफेस के टेक्सचर को मापने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है हुई आई आएगी और काफ़ी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद है, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आजकल कुछ तबीयत अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से। बाकी आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगी, सो डोंट वरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।